यहाँ भी अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिए। राजू काजी बोला है कि आप उसके पिता ऑफिशियल हो सकते हैं, कभी कभी हम लोग जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो इसमें की आवश्यकता पड़ती है क्या? हम लोग कैसे रोते हैं कितनी बार की, हर बार जब भी सीख कर बड़े स्मार्ट एंड सीखते यहाँ चल रहा है भैया, पीछे देखिए क्या है ये वीडियो चालू है, भारत जी का सुन हो गया देसी भारत ये देसी आदमी है अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, कुछ और भी करिए ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं क्या करूं मतलब अब करने के लिए क्या है ना, शब्द बचेंगे, भाव तो अंदर होता है ना महिला। तू कौन से बता दे मुझे भैया, आइए ना थोड़ा सा, आप भी आइए भैया। आप अचानक में जो बयानक मिल जाए, धर्म सिंह लोहार एक बात बताओ, अभी तो सुनो, इस इंसान के दो बाप, इस इंसान के दो बाप, नाम से राजकुमार आर पांडे है, काम से अवधेश मिश्रा है। हे गाइस लाइट दो, मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि जो आप लोग इतना आए। प्लीज सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज, ये देखो ये लोग सारे लोग ये इतने सारे, एक धर्म जी आप रोड पे जाम लगवा रहे हैं। अरे यार आपको पता है, यही तो हमारे सुपरस्टार कमाई है, सुपरस्टार की यही तो कमाई है, सुपरस्टार यही तो है। धनंजय ने आज एक पिक्चर की डबिंग पूरी कर पूरी, क्या बात है। क्या चाहिए आपको, कुछ स्पेशल चाहिए? So, कल मेरी 4 बजे से कमी सर, एक जाते जाते बस सर एक दो सवाल प्लीज, जाते जाते सो हाय कितना अच्छा लग रहा है, बाप रे बाप, ये देखिए कितना बेहतरीन वीडियो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से यहाँ पर सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू एंड एक्टर खलनायक डायरेक्टर अवधेश मिश्रा साहब और भोजपुरी सिनेमा के सुप्रख्यात डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर राजकुमार पांडे साहब, क्या बात है, वाह, ऐसी तस्वीर कहाँ देखने मिलती दोस्तों। चलिए देसी भारत के सुपरस्टार एंकर हमारे भोजपुरी के बिल्कुल देसी आदमी हमारे धर्म दुबे जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ नीलमणि जी जो भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेकर आ रहे हैं। सर चिंटू भाई बस प्लीज, मुझे पता है कि धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक दोस्तों अंधेरी इलाका है और पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत मचमच होने वाला है। जाते जाते मैं चिंटू भैया,
कितना बढ़िया फील कर रहे हैं अवधेश भैया आपके साथ में हैं, कभी पिता के किरदार में कभी कुछ बताइए ना प्लीज। ये फील ही है जो बता नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये भावनाओं की बात है, किया जा सकता है, शब्दों की बात नहीं है। और अवधेश जी चूंकि नाम लेना भी मैं क्या बोलूँ, जब भी इनके साथ मिलता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं, हम साथ होते हैं ना, तो साथ होना ही एक अलग फीलिंग होता है, एक अलग भाव उमड़ता है हम दोनों के अंदर से, एक अलग जज्बात उमड़ता है जो शब्दों में आ ही नहीं सकता। सर अवधेश सर आप क्या कहेंगे सुपरस्टार को लेकर? कुछ नहीं कहूँगा, नहीं शब्द हूँ, भाव जहाँ होते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, ये भाव है, ये इनका ओरिजिनल पिता है और आप ओरिजिनल मैं हूँ। चलिए सर, आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त एंड मस्त है सर, जाते जाते खाली सर मैं आपसे जा राज सर बस एक आखिरी में जाते जाते कैसी लग रही जोड़ी आपको अवधेश भैया के साथ में चिंटू जी की जोड़ी? आप बोले दीजिए। तो क्या है, हमेशा जोड़ी अच्छी लगती है। अभी डबिंग करके आए हैं, अनंजय कहाँ गए? अनंजय सर प्लीज आइए, अनंजय सर यस, मुझे कुछ कहना है और रात के 2 बज रहे हैं और कंप्लीट करके निकले अचानक अवधेश, जहाँ हम लोग रोड पर मिले चेहरे पे थकान दिख रही है और घर जाना है, लोग पुलिस वाले भी आके देख रहे हैं अब घर चलते हैं। और मैं सच में मैं कह रहा हूँ कि शायद ये पहला है और पहला इंटरव्यू होगा जो आदरणीय जी का और बाकी सब फैन पीछे हमारे आदरणीय हम सबके प्यारे दुलारे हैं जिनका इस तरह से इंटरव्यू और सब रात को 2 बजे भी एकदम टॉपिक के साथ, क्या बात, वाह। भैया आनंद अरे भैया आप तो भैया भैया चिंटू भैया सिकंदर भाई, सिकंदर भाई खींच लीजिए। चलो धर्म, अचानक कहाँ से कैमरा लेके आ गए भाई सर, ये गजब आदमी। मेरे सामने